Welcome students, this is probably the last in theory of the AC chapter जो अब हम करेंगे. हम इसमें AC का basically power तक हम कर चुके थे. अब इसमें दो machines हमारे syllabus में हैं, एक है AC generator और एक है transformer. अब हम इन दोनों को जरा study करेंगे. देखिए पहला प्रश्न तो CBSE में ये भी रहता है कि प्रूफ मतलब के व्हाई एसी जनरेटर इज अ मिसनोमर. अब आप सोचेंगे मिसनोमर क्या होता है. मिसनोमर वो होता है जो अपने नाम के अनुरूप काम न करे. इसमें ऐसा क्या हो गया. ऐसा इसके लिए हो गया, एसी जनरेटर इज बेसिकली नॉट जनरेटिंग, इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग. कोई ना कोई एनर्जी इसको दी जाती है जिसके एवज में, जिसके फलस्वरूप यह आपको ऑल्टरनेटिंग करंट देता है. इसका बेसिक क्या है. बेसिक इसका वही पुराना है कि जब भी किसी फ्लक्स को आप चेंज करेंगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट करेगा. तो हम इसमें एक कॉयल लगाते हैं, कंस्ट्रक्शंस की नेक्स्ट स्लाइड में होगी, पर एक कॉयल लगाते हैं और वो कॉयल को हम घुमाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ये देखिए, ये मेरे पास कॉयल है, ये एबीसीडी कॉयल है जो बार बार घूम रही है और जो रेड कलर का आपको वेक्टर दिखाया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है. आप देख सकते हैं ए बी सी डी के टाइम के ऊपर पहला वाला, ये वाला थीटा 0, 90, 180, 270 और 360, ऐसे ये कॉयल घूम रही है. तो हो क्या रहा है, अब देखिए आप हर पॉइंट के ऊपर फ्लक्स देखिए. फाई क्या होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, मैंने थीटा को ओमेगा टी लिख दिया क्योंकि होता है. आपको क्या पता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए दैट इज बी ए कॉस थीटा. अब एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन बी ए कॉस थीटा हो गया और थीटा ओमेगा टी होता है, तो मैंने ये रख दिया. जैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा विद अ माइनस साइन. पहला एक माइनस लगा कॉस के डिफरेंशिएशन का, एक ओमेगा टी और लगा, ओमेगा और लगा बिकॉज साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेते हुए आप कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा. अब इस फंक्शन में अब डी फाइव बाई डी डी माइनस ई होता था, तो माइनस मैंने दोनों काट दिया. अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा, ये पूरी. इसी को हमने ई नॉट नाम दे दिया, मैंने पीक वैल्यू ऑफ करंट यही होती है साइन ओमेगा टी. जिस समय मैंने आपको पढ़ाया था, एसी स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि एसी के कई तरीके हो सकते हैं. मतलब ट्रायंगुलर शेप में भी एसी ऊपर नीचे बन सकती है, साइन शेप में बन सकती है, कॉस में बन सकती है, स्क्वायर में बन सकती है, लेकिन हम लोग साइन वेव फंक्शन पढ़ते हैं क्योंकि बेसिकली एसी जनरेट ऐसे होती है. अब आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा, जनरेशन इस फॉर्म में होती है. अब क्या इसको आगे देखिए, थीटा 0 है पहला केस, फिर थीटा 90 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे केस आपके सामने. अब आप इन सब के अंदर वैल्यू पुट करके देख सकते हो. अब यहां पर देखो थीटा 0 फ्लक्स मैक्सिमम, लेकिन हमारा ईएमएफ साइन 0, 0 से शुरू होगा. जब 90 बनेगा ई नॉट साइन 90, 1, ये ई नॉट की वैल्यू आ गई. 180 बनेगा, इट विल बी अगेन 0, ये नीचे आना शुरू हो गया. और 270 पर माइनस में पीक आ जाएगा और 360 पे फिर 0. मतलब ये पूरी साइन वेव जनरेट होती है, ये आप समझ सकते हैं. बार बार यही हो रहा था इसलिए जनरेशन इस फॉर्म में होती है. आई प्रिज्यूम आपको समझ आया होगा. अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरा लिखना है इसका. बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का 3 नंबर का, तो आपको डायग्राम जो एग्जाम में बनाना है वो पता होना चाहिए. देखिए जनरेटर आपने जो नाम सुने होंगे कैसे होंगे, डीजल जनरेटर, पेट्रोल जनरेटर. अब असल में क्या है, जो ये कॉयल है जो आपके साथ यहां घूम रही है, जनरेटर में छोटी कॉयल है घूमती है, लेकिन जो बिजली घर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर हाउस होते हैं, वहां पर एक कॉयल बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनको टर्बाइन कहते हैं, तो वो घूमती हैं. होता प्रिंसिपल यही है, घर के जनरेटर की कॉयल छोटी है और जहां बिजली घर है वहां कॉयल बड़ी है, इतना ही फर्क है, होते वही है. और जनरेटर का नाम उससे होता है जिस एनर्जी से आप इसको चलाते हो. जैसे अब इधर देखो, ये एक जनरेटर है, ये लूप है जो अभी आपने देखी थी, ये मैग्नेट हो गया, ये स्लिप रिंग्स हैं जिनके अंदर दोनों कॉयल लगा दी मैंने, ये वाली जो कॉयल लगाई है, ये
ये जो ए, ये दोनों कॉइल मिली आपको ए और डी से जुड़ी हुई, ये कॉइल मेरी यहां पर जुड़ी होंगी, और ये क्या लिखा, एक्सटर्नल रोटेटर, जो रोटेट करता है वो रोटेटर है, और जो रुका हुआ स्टेशनरी इसको स्टेटर भी कहते हैं। और इन दोनों पॉइंट से ब्रशेस के थ्रू हमने एक्सटर्नल सर्किट, ये आप घर में बल्ब लगाइए, फैन लगाइए, कुछ भी चलाइए, ये यहां से चलाई शुरू होती है। अब जिससे ये घूमता है वो जनरेटर का नाम, अगर पेट्रोल से घुमा रहे हैं या पेट्रोल इंजन से, पेट्रोल जनरेटर, अगर आप इसको डीजल से घुमा रहे हैं तो डीजल जनरेटर। यही नहीं, जो पावर हाउस होता है उसका नाम भी ऐसे, अगर आपने एक न्यूक्लियर पावर से इसको घुमाने की कोशिश करी टर्बाइन को, वो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर से आप बिजली बना रहे हैं, कहीं पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन होता है, कहीं हाइड्रोलिक होता है, जो डैम्स बनते हैं वहां पर ऊपर से नीचे पानी फेंका जाता है, पानी टर्बाइन को घुमाता है, तो जिसकी वजह से आप इसको घुमाते हैं वो एक्सटर्नल रोटेट होता है, उसी से उसका नाम जनरेट है। आपके एग्जाम में ये जनरेटर का डायग्राम आप बनाइए, एक एक चीज के बारे में बताइए, स्लिप रिंग्स क्यों है, ये भी समझिए। देखिए अगर मैं कॉयल को सीधा छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में मुड़ जाती है और टूट जाती है, हमने इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, अब ये घूमते भी रहेंगे, सारी ये कॉयल हमेशा इससे जुड़ी रहेगी, ये वाली हमेशा इससे जुड़ी रहेगी, और दोनों के बीच में आपस में कट भी नहीं आएगा, और ये पॉइंट बाहर के ब्रशेस हैं जिनसे आप बाहर एनर्जी ले लेते हैं, ये फील्ड मैग्नेट कहलाते हैं, ये लूप है, इस लूप को आप रोटर भी कह सकते हैं, ये स्लिप रिंग्स हैं, और ये ब्रश, ये हमारा एसी जनरेटर होगा। डीसी में क्या करते हैं, एक फर्क आता है, इसको बीच में काट दिया तो जब ये पॉजिटिव पर है तो ये नेगेटिव पर, जब ये कॉइल, ये वाली कॉइल ये ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगी। आर्मेचर, आर्मेचर कुछ नहीं है, रोटेट रही है, ये सिर्फ बताया मैंने आपको, हालांकि आपके सिलेबस से उड़ चुका है, कहीं पर आप कंपटीशन में देखे तो इसके लिए बताया मैंने आपको। डीसी जनरेटर में इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है, एसी जनरेटर की आपने कॉइल देखी साइन वेव बनाती है, जो ईएमएफ पैदा होता है, इसका ईएमएफ इस फॉर्म में होता है, ये देखिए आधा, ये नीचे नहीं आएगा ऊपर ही रहेगा ये। चलिए ये था पहला इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रिंसिपल हो गया, व्हेनेवर कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड इट विल इंड्यूस एन ईएमएफ। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन, समझिए ये एक कॉइल है, मान लो इसमें कुछ करंट जाएगी, तो करंट जाएगी तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड टाइप कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस कॉइल में कुछ फ्लक्स जनरेट होगा, हर टर्न में कुछ फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, हर टर्न में, तो जितना अब इसमें से जो फ्लक्स जनरेट होगा उस जनरेटर फ्लक्स के ऊपर मैंने ये वाली कॉइल लगा दी, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है, अब मैंने जब सेकेंडरी लगाई तो इस हिस्से में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक में जनरेट होता है तो दूसरे में मिलता है, ये हम म्यूचुअल इंडक्शन के टाइम पर ठीक से कर चुके थे। आइए अब होता क्या है, ये कॉइल दिखाने को ऐसी है लेकिन असल में होता क्या है, दे आर लाइक दिस वेरी क्लोज। अब समझिए एक कॉइल में फाइव फ्लक्स पर कॉइल इस करंट पर डिपेंड करता है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वोल्टेज क्या होगा पर टर्न इंटू एनपी, पी कहते हैं प्राइमरी। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स हैं, एक में आप करंट फीड करते हैं, एक से करंट लेते हैं, अब करंट बोलिए वोल्टेज बोलिए दोनों आप फीड करते हैं और लेते हैं, जिसमें फीड किया जाता है वो होता है प्राइमरी कॉइल, जहां से निकाला जाता है वो होता है सेकेंडरी कॉइल, और वी एस विल बी वी पर टर्न इंटू एन एस, आइडियल केस बता रहा हूं। होता क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इट इज एन एस बाय एन पी। अब नाम देखिए, अगर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, देखिए ये कॉइल है, ये प्राइमरी, ये सेकेंड, दिखाया आपको ऐसे के लेकिन दरअसल दोनों मिले हुए हैं, ये वीपी वीएस, अब ये रेसिस बाहर का लोड है। अब देखिए अगर एनएस बढ़ जाएगा तो मेरी सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाएगी, देखो ये आपके सामने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसमें एनएस ज्यादा है मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगी, जिसमें कम होगा, हमारे ट्रांसफॉर्मर का नाम स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है लेकिन ये नाम वोल्टेज पर है, वोल्टेज अप होगी तो स्टेप अप, वोल्टेज डाउन होगी स्टेप डाउन, करंट पर नहीं होगा और करंट रिवर्स प्ले करेगी, मतलब अगर वोल्टेज अप हो रही है करंट अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि पावर सेम रहनी है। आपको ध्यान होगा हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर आता है जिनमें बाहर से बिजली की तार आती है वो तार बड़ी पतली होती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर से बाहर निकलती है उसमें देखो समझो होता क्या है, आपके पास जो घर में पास ट्रांसफार्मर लगा वहां सप्लाई 11,000 वोल्ट की आती है,
और आपके घर में मिलती है 220 वोल्ट, तो आपने बेसिकली वोल्टेज को कम कर दिया, तो आपके घर के पास जो लगा होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 11,000 फीट किया और 220 आपको मिली, लेकिन अभी आपको मैंने बताया स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होगी पर करंट बढ़ेगी। इसीलिए ध्यान रखो ट्रांसफार्मर से निकलने वाली जो तारा बड़ी मोटी केबल होती है, आने वाली बड़ी पतली है, क्योंकि आने जो रेशो आपने अभी बदल दिया, आपने क्या किया 11,000 का 220 कर दिया, मैंने 50 गुना आपने वोल्टेज कम कर दी, तो करंट 50 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी आइडियल केस में। अब जब करंट बढ़ेगी तो आपको मोटी तार लगाने पड़ेगी, इसीलिए उसकी वायर मोटी होती है। अब एनएस बाय एनपी का नाम ट्रांसफार्मर रेशियो, इसी में के ग्रेटर देन वन है स्टेप अप स्टेप डाउन। ध्यान रखिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स में इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अब थ्योरिटिकल पार्ट बता रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनएस बाय एनपी की रेशियो समझ लीजिए, स्टेप अप स्टेप डाउन समझ लीजिए, उसके बाद अगली चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर लॉसेज होते हैं। हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है इसमें हमने आइडियल केस लिया नो लॉस, पर असल में ट्रांसफार्मर कुछ लॉस होते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर लॉस क्यों होते हैं और उसको मिनिमाइज करने के लिए कम करने के लिए हमने क्या क्या किया। आइए पहला ट्रांसफार्मर लॉस फ्लक्स लीकेज आसपास की तारों से। अभी आपने देखा ये पीछे देखिए, इसमें कुछ फ्लक्स यहां वेस्ट हो जाएगा, कुछ फ्लक्स इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, वो सारी लाइनें तो कवर नहीं हो रही है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास फ्लक्स लीकेज होता है। कैसे किया जाता है, प्राइमरी पासेस थ्रू सेकेंडरी ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर, तो इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स ओवर वन ओवर दी अदर, एक के ऊपर एक कर दिया। मैंने डायग्राम दिखाते आपको कहा ना, देखने में आपको दूर दूर दिखाते हैं बट होते एक साथ है। दूसरा, हमारे पास जब आप वोल्टेज और करंट फीड कर रहे हैं बेसिकली इंडक्टर बनाया आपने, तो इंडक्टर का आइडियल रेजिस्टेंस डीसी का जीरो है, परंतु प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस कुछ तो है, इसकी वजह से आई स्क्वायर आर की उसमें हीट लॉस होता है। तो इसको कम करने के लिए हमें ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो, मोटी कॉपर वायर लगाई जाती है यूजिंग द थिक वायर। दो लॉस हो गए फ्लक्स का रेजिस्टेंस का। तीसरा देखिए एडी करंट का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आयरन कोर जिसके ऊपर ये लटकाया है उसमें एडी करंट पैदा होती है जिसकी वजह से हीटिंग होती है। अब इसको हम कैसे करते हैं, जब मैंने एडी करंट का मेरा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, हम एक बड़े टुकड़े को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उनको लेमिनेट कर देते हैं ताकि एक का असर दूसरे पर नहीं आए, ये एडी करंट के लिए हम करते हैं। हिस्टेरिसिस होता है, आपको याद होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लास्ट मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमने हिस्टेरिसिस किया था, जो बताता है कि किसी चीज को मैग्नेट और डीमैग्नेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। अब सवाल है यहां पर मैग्नेट डीमैग्नेट क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल रही है। बेटा है तो कॉयल क्लॉकवाइज जाएगी तो बनेगा साउथ, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा नॉर्थ। अब आप उसको एक सेकंड में 50 बार कर रहे हो क्योंकि आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज है, तो हर बार कुछ एनर्जी का लॉस होगा, उसका लॉस आप हिस्टेरेसिस लूप में कवर करते हैं। तो इसके लिए हमें करना है, हमें ऐसी चीज का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हिस्टेरेसिस लूप कम से कम एनर्जी ले, यही आपको यूज करना है, एंड दिस इज लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सीबीएसई का जो हम न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन के लिए, उसमें आपको ये भी और क्लियर हो जाएगा कि हमें ट्रांसफार्मर को देखिए जो बिजली जनरेट होती है ना वो होती है 220 वोल्ट पर। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, भारत की। हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेशन जो होती है वो 220 वोल्ट की होती है, तो वहां पर उसको 220 को 11,000 बनाया जाता है बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो 11,000 चलते चलते जब आपके पास आता है तो आप उसको 11,000 को नीचे करते हो 220 के ऊपर बाय स्टेप डाउन। अब सवाल है कि दोनों ट्रांसफार्मर आपने क्यों लगाए, वहां पर 220 का 11,000, यहां 11,000 से 220, अगर सीधा 220 सप्लाई करते तो क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम में लॉस बहुत अधिक होता है, ये आप उस न्यूमेरिकल से समझिए। राइट, सो दिस वॉज कंप्लीट थ्योरी ऑफ एसी चैप्टर। नाउ वी हैव डन कंप्लीट एसी, नाउ वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रीवियस एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।